खमा गनीसा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो नेट के जो फ्लावर होते हैं, जिसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, ये ब्लाउज पर मैंने लगाए हैं। तो आप नेट के फ्लावर किस तरीके से बना सकते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ऐसा नेट का जो है कपड़ा, जो फैब्रिक है, हमें नेट का फैब्रिक चाहिए। तो इस तरीके से नेट का हमें कपड़ा लेना है, उसको हमें फोल्ड करना है। फोल्ड करके हमें इसको 3 इंच के करीब इसको ले लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरीके से 3 इंच मैंने ले लिया है और इसको सीधा कट कर लेना है। हमें इसको फोल्ड करके कट करना है, मतलब अगर आप सीधा अगर कट कर रहे हैं तो 6-6 इंच होना चाहिए मतलब। और अगर आप 2 मतलब इसको फोल्ड करके कट कर रहे हैं तो ये 3 इंच के बराबर होगा। मतलब ये देख लीजिए, आप इसे अगर पूरा अगर नापते हैं तो ये 6 इंच का कपड़ा है, ये देखिए। तो इस तरीके से एक लंबा हमें कपड़ा लेना है और ये देखिए, अब इस पर हमें इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देख लीजिए आप, अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। और ये नेट की फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसे छोटे बच्चों के ब्लाउज़ वगैरह पे इस तरीके से या फ्रॉक वगैरह पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो है ये सीधा जो है सिलाई कर दी थी। अब जो है इसको इस तरीके से, ये जो उल्टा टांका था हमें इसको बाहर निकालना है। तो ये देखिए, इसको जो है आप पेचकस से या हाथ से ही आप इसे कर सकते हैं। पेचकस से ये नेट है नहीं जा पाएगा, तो इसे आप देखिए, ये अंगूठे की सहायता से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे और बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से ये सीधा हमने कर लिया है। और जो ये टांका है हमें बीचों बीच ले लेना है, ये सीधी सिलाई हमने की थी उसको बीचों बीच लेके इस पे हमें प्लेट्स डालनी है। और प्लेट्स इस तरीके से डालनी है कि एक हमें मतलब आमने सामने प्लेट्स डालनी है, एक का मुंह इधर है तो दूसरी प्लेट्स का मुंह उसके सामने होगा जस्ट। तो ये देख लीजिए आप, इस तरीके से जैसे ये मैंने प्लेट्स बनाई हैं, इसका मुंह मैंने इस तरफ रखा है, तो इसके जो अगला जो प्लेट्स बनेगी उसका मुंह उसके सामने होगा। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स बना लेनी है पूरे पे। तो ये देखिए आप, एक को हमें ऐसे रखना है और दूसरे को इसके जस्ट सामने हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से जो हमें सारी प्लेट्स बना लेनी है। तो इस तरीके से ये हमने बना लिया है। और अब हमारा जो काम है, अब वो हम सुई धागे से करेंगे। तो सुई धागा लेना है हमें, मैचिंग का ही हमें धागा लेना है। और इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करके इसको रोल करना है। तो इसको, इन दोनों को प्लेट्स को इस तरीके से ऊपर करके इनको रोल करना है। और हमें जो है ये सुई और धागे से इसकी सिलाई कर लेनी है, पक्की सिलाई, मतलब इस तरीके से हमें इसको सील लेना है। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें सुई धागे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप इस तरीके से लेके इसको रोल करते जाएंगे और जो है इस पर हम सुई धागे से सिलाई कर लेंगे। ये फ्लावर बनने के बाद भी बहुत सुंदर लगते हैं। मार्केट से जैसे हम लेके आते हैं ना बच्चों के फ्रॉक वगैरह, तो उन पे भी आजकल इस तरीके से जो है नेट के फ्लावर बने हुए होते हैं। तो इसे आप सीख सकते हैं, अगर आप कोई फ्रॉक वगैरह बना रहे हैं या बच्चों के ब्लाउज़ वगैरह बना रहे हैं, तो उस पर इस तरीके के जो है नेट के फ्लावर आप लगा सकते हैं। तो इस ये बहुत ईजी है और इसको आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नेट का फैब्रिक चाहिए और इस तरीके से एक सीधी आपको सिलाई करके ये प्लेट्स डाल के आपको जो सुई धागे से इसको सीलना है। तो इस तरीके से रोल करते जाएंगे और ये फ्लावर को हम बना लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, मैंने यहाँ तक बना लिया। और ये देखिए, इस तरीके से मैं इसको रोल कर दूँगी तो ये इस तरीके से जो एकदम रोज जैसा लगेगा, जो गुलाब का फूल होता ना उस तरीके से। तो ये देखिए, ये बन चुके हैं और ये पीछे से इसकी ऐसी सिलाई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और आपको ये नेट के फ्लावर कैसे लगे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खमा गनीसा।